अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से आज एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं, जिस जो कि बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, जो कि आपका डिजीज यानी कि रोग से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चंस हमेशा मेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो प्लीज फ्रेंड्स डोंट मिस दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर ऑल ऑफ गाइस ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सो प्लीज डोंट मिस, ओके। तो प्लीज बने रहिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को देखने के बाद आप इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, कि मनुष्यों में होने वाला अनुवांशिक रोग। मनुष्यों में होने वाला अनुवांशिक रोग कौन कौन से मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग होते हैं, जिससे कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो है मेन एग्जाम के लिए परफेक्ट होते हैं। आइए हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में पार्ट वाइज पार्ट, कि किस किस प्रकार के डिजीज होते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज फ्रेंड्स बने रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, ठीक है फ्रेंड्स। इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट दो से तीन क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। सो आइए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक पे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि इस टॉपिक में इस प्रश्न से जो है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता यह एक अनुवांशिक रोग होता है, जो कि हमेशा होता है। इसका उपचार न के बराबर होता है। कुछ हद तक लेजर वगैरह के द्वारा इसको जो है कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन मेनली जो है परमानेंटली इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस रोगी में, ठीक है, ये यह जिसको हो जाता है, ठीक है, यह रोग जो है इस रोगी में मनुष्य को जनरली जो है लाल और हरा रंग प्रॉपरली रूप से दिखाई नहीं देता। लाल और हरा रंग प्रॉपरली रूप से दिखाई नहीं देता, ठीक है। दूसरा है कि यह रोग जो है मुख्य रूप से पुरुष में ही पाया जाता है। यह रोग मुख्य रूप से पुरुष में ही पाया जाता है, लेकिन कभी कभी सामान्य तौर पर जो होता है स्त्रियों में भी पाया जाता है। कब? जब उसके दोनों क्रोमोसोम्स यानी एक्स एक्स प्रभावित हो तब, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि स्त्री में जो है होता है, यह मुख्य रूप से स्त्रियों में तभी होता है स्त्रियों में, कि जब इनके दोनों गुणसूत्र बोले तो एक्स एक्स इफेक्टिव होते हैं यानी प्रभावित होते हैं, और इसके वाहक ज्यादा तौर पर कौन होती है, तो स्त्रियां होती है, ठीक है। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जिससे प्रश्न अराइज करते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया यानी कि अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं, इसमें क्या टॉपिक्स है फ्रेंड्स देख लेते हैं, कि यह एक ऐसा रोग है कि चोट लगने के बाद, ठीक है, आधे घंटे से 24 घंटे तक इसमें रक्त का थप्पा थक्का जो है यानी रक्त जो है खून जो है जम नहीं जाता है। औसतन देखा जाए तो इसमें 2 से 5 मिनटों में ही रक्त जो है खून जो है जम जाना चाहिए, लेकिन अगर जिनको यह प्रॉब्लम होगी, हीमोफीलिया होगी, ठीक है, उनको आधा से 24 घंटा तक में भी रक्त जम नहीं पाएगा, ठीक है। अगला इसका टॉपिक है फ्रेंड्स कि अगला पॉइंट है कि यह जो है साधारणतः जो है मनुष्यों में पाया जाता है, मेनली मनुष्यों में पाया जाता है, स्त्रियों में तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र यानी कि एक्स एक्स इफेक्टिव हो, ठीक है, और इसके वाहक भी कौन होते हैं, तो इसके वाहक भी स्त्रियां ही होती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो है ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया थी, ठीक है, उनको यह बीमारी जो है हीमोफीलिया हुआ था, और यह मानने वाले जो व्यक्ति थे हेलेन थे, ठीक है, उन्होंने ऐसा माना था कि यह ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, इनको यह बीमारी जो है हुआ था, इस बीमारी से वो ग्रसित थी। तो इस टॉपिक से एक कुछ पॉइंट्स बनकर आते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं फ्रेंड्स आपका जो है टर्नर सिंड्रोम पे, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। यह जो होता है फ्रेंड्स टर्नर सिंड्रोम, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि टर्नर सिंड्रोम में इस रोग की वाहक जो है स्त्रियां होती है,
ठीक है। और इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुण सूत्र की संख्या जो है 45 हो जाती है। जनरली जो है आपका कितना होता है, 23 जोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन स्त्रियों में गुण सूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में। यह एक पॉइंट था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि इस सिंड्रोम में यानी कि यह रोग में जो है शरीर जो है आपका शरीर अल्प विकसित होता है, यानी कि विकसित जैसा होना चाहिए उस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। कद छोटा रह जाएगा और वक्ष जो है आपका चपटा हो जाएगा, वक्ष जो है आपका चपटा हो जाएगा और कद जो है एकदम छोटा बौनी की तरह हो जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स थे। अगला है आपका कि जनन प्रायः जो है अविकसित हो जाता है, यानी कि जन्म देने का जो अंग होता है वो प्रायः अविकसित होता है, जिससे वे वांछ यानी कि जिससे है स्टाइल हो जाती है, ठीक है। यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगला है आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। यह रोग पुरुषों में जनरली पाया जाता है, यह रोग जनरली किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। और इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुण सूत्र की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि 46 से 1 बढ़ जाती है, यानी कितना हो जाती है, 47 हो जाती है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार होता है कि किस सिंड्रोम में यानी किस रोग में पुरुषों में गुण सूत्र की संख्या 47 हो जाती है, तो आपको जनरली मानना है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। अगला है कि इसमें पुरुषों का वृषण जो है, इसमें पुरुषों का जो इंटरनल पार्ट्स होता है वह जो है अल्प विकसित हो जाती है और स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है इंटरनल पार्ट्स जो है अल्प विकसित हो और विकसित भी हो जाता है, ठीक है। और अगर यह रोग किसी पुरुष को हो तो वह आपका जो है इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, नपुंसक भी हो जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही जो है इफेक्टिव सिंड्रोम है, याद रखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव, ठीक है, याद रखिएगा। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते रहता है कि किस रोग में, ठीक है, किस रोग में पुरुष नपुंसक हो जाता है, तो आपका आंसर जाएगा आपका, याद रखिएगा, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब इस पर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मुख्य रूप से कि इस रोग से ग्रसित रोगी जो है मंद बुद्धि का होता है, आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी, ठीक है, और अनियमित ढांचा का हो जाता है, आंखें मोटी, ठीक है, आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटा हो जाएगा हद से ज्यादा, ठीक है, यानी कि सामान्य से ज्यादा मोटा हो जाएगा और अनियमित मतलब अजीब टाइप का जो है हो जाएगा, ठीक है, इस सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में। और इसको जो है इसी सब चीज के कारण इसे हम मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मंगोलिज्म के नाम से, इसे हम मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे कुछ डाउन सिंड्रोम से संबंधित आपका टॉपिक पॉइंट्स, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं पटाव सिंड्रोम। यह एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखता है बायोलॉजिकल में, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब पटाव सिंड्रोम में होता है सामान्य तौर पर फ्रेंड्स कि यह जिस रोगी को होता है उस रोगी का जो है ऊपर का ओट बीच से क्या होता है, कट जाता है और तालु में क्या होती है, दरार आ जाती है। ऊपर से बीच का जो है ओस्ट कट जाएगा और तालु में दरार आ जाएगी, उस टाइप का, पपड़ी टाइप का, ठीक है। अगला है कि यह भी जो है इस रोग यानी कि यह जिसको रोग होगा, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, रोगी जो है मंद बुद्धि का हो जाएगा, नेत्र रोग जो है बहुत प्रकार के डिजीज हो जाएंगे, किसमें, पटाव सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो दोस्त सिंड्रोम, ठीक है। अब आते हैं कुछ अन्य डिजीज के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा रोग होते हैं जो भी मोस्ट डेंजरस होते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं कि किस किस प्रकार के रोग होते हैं और इससे कौन कौन से क्वेश्चंस निकलकर मेन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आइए वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है दोस्त पक्षाघात या लकवा, ठीक है, पक्षाघात या लकवा। लकवा यानी कि पूरे भाग में इफेक्टिव, ठीक है। यह एक ऐसा रोग है, ठीक है, याद रखिएगा कि यह एक ऐसा रोग है कि इसका मुख्य कारण है कि मान लीजिए ये ब्रेन है, आप देख रहे होंगे जैसा कि फिगर, ये ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये पूरा बॉडी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ मस्तिष्क की तंत्रिकाएं जो है, ठीक है, अगर किसी को लकवा मारता है तो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण यहाँ से शरीर जो है
शरीर में खून जो है औसतन जो है 22 सेकंड में घूम जाना चाहिए, लेकिन ये जो है नहीं घूम पाता, ठीक है, ये आपका रोटेट नहीं कर पाता, जिसके कारण ब्लड जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है ऊपर नहीं जा पाता, जिसके कारण यह रोग हो जाता है, यानी कि लकवा। और जब भी लकवा मारता है तो शरीर का दो पार्ट यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई एक साइड को इफेक्ट करेगा, यानी कि अगर हम बात किया जाए तो मेरा जो देख रहे हैं कि एक साइड पूरा जो है इफेक्ट करेगा या फिर एक साइड, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, तो दो तंत्रिकाएं होती है तो मतलब दोनों पार्ट्स को जो है इफेक्ट कोई एक पार्ट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यह जो जनरली जो है लकवा कहलाता है, ठीक है, या फिर कोई धमनी या फिर जो है कोई भाग जो है ना फट जाता है, जिसके कारण यह जो है ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, ठीक है। तो इससे कुछ कुछ टॉपिक्स जो है जो कि क्वेश्चन आते हैं, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो दोस्त, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अगर आप लोग अच्छे से समझ पाए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी इस वीडियो के द्वारा कुछ सीख पाए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए आप अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।